राजेश खन्ना के उस शापित बंगले की कहानी क्या है। इसमें रहने के बाद बर्बाद हुए तीन सुपरस्टार, क्यों बेचना पड़ा कौड़ियों के भाव। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के जलसा से लेकर शाहरुख खान की मन्नत तक हम लोग अक्सर सेलेब्स के लावश बंगलों के बारे में सुनते रहते हैं। उन बंगलों की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। सितारों के ये बंगले किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं होते हैं। इसी कड़ी में मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगला हुआ करता था, आशीर्वाद। जी हाँ, वही आशीर्वाद जो कभी राजेश खन्ना का आशियाना था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसे भूताहा कहा जाने लगा। राजेश खन्ना से पहले इसके कई मालिक बने, लेकिन सुपरस्टार की मौत के बाद आखिरकार बंगले को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि 1950 के दशक में दो फिल्मी हस्तियों के बड़े बंगले हुआ करते थे। पहला बंगला नौशाद का आशियाना था, वहीं दूसरा बंगला आशीर्वाद था। शुरुआत में ये सी फेसिंग बंगला एक एंग्लो इंडियन परिवार के पास था, जिसे 1950 के दशक में अभिनेता भारत भूषण ने खरीदा। उस दौर में भारत भूषण की मिर्जा गालिब, बैजू बाबरा, बरसात की रात जैसी कई फिल्में खूब सफल हुई। इसके बाद जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो वो भारी कर्जे में डूब गए। भारत भूषण को ये बंगला छोड़ना पड़ा। इसी के बाद से ये कहानियां सामने आई कि बंगला शापित है और जो इसमें रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। 1960 के दशक में जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि ये बंगला सिर्फ 60,000 में मिल रहा है, तो उन्होंने इसे खरीद लिया। उन्होंने इसे अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा। बाद में जब राजेंद्र कुमार ने एक और बंगला खरीदा तो उसका नाम भी डिंपल रख दिया। ये बंगला अभिनेता के लिए काफी लकी साबित हुआ और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। लेकिन बाद में 1968 में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और वो सपोर्टिंग रोल पर उतर आए थे। आखिरकार राजेंद्र कुमार को भी ये बंगला बेचना पड़ा। इसी दौरान राजेश खन्ना ने इस बंगले को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में खरीद लिया। इस बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत और चमक गई। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 17 हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने बाद में इस बंगले का नाम डिंपल से बदलकर आशीर्वाद कर दिया। ये बंगला मुंबई में फैंस के आकर्षण का केंद्र बना। राजेश खन्ना के साथ भी आखिर में वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ। 70 के दशक में उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई और उनकी जगह सुपरस्टार बनकर छाए अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया भी बच्चों के साथ अलग रहने लगी। अब जब राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं बचा तो वो लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में वक्त बिताने लगे, पर सभी के जैसे उन्होंने बंगला बेचा नहीं, वो मरते दम तक उसी में रहे। हालांकि फिर उनके निधन के बाद बच्चों ने बंगले को एक बिजनेसमैन के हाथों 90 करोड़ में बेच दिया। रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त बंगले की कीमत 225 करोड़ रुपए थी। बाद में उस बिजनेसमैन ने 2016 में आशीर्वाद को तोड़कर नई बिल्डिंग बना दी। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।